इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी स्पिडल चेक पॉइंट जी वन एस टू चेक पॉइंट आई एम गोइंग टू डी दी टॉपिक डी एन ए डैमेज चेक पॉइंट तो इसमें ए टी एम और ए टी आर जो है वो जीन कोडिंग प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डबल स्ट्रैंड ब्रेक या सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक एंड डी एन ए को ये रिकोगनाइज करता है तो हम लोग आइए देखते हैं कि ये किस टाइप से रेगुलेट करता है तो यहां डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है और सिंगल स्टैंड ब्रेक है तो ए जो है सीएच को फर्स्ट करता है जो कि सी जो है वो इनिवेट करता है सी ए को और सी डी जो है सीडी के इनको इनिवेट करता है और रिजल्ट क्या आता है कि जी और एस फेज अरेस्ट होता है तो ये है ए टी पाथवे और यहाँ पे ए टी पाथवे में है कि ए जो है सी को फर्स्ट करता है और सी जो है वो सी डीसी को फर्स्ट करता है और इनिवेट करता है जो कि रिस्पॉसिबल है सीडी को एक्टिवेट करने के लिए लेकिन सी डी सी ट्वेंटी फाइव जो है इनबिट किया हुआ सी एच के वन इसलिए सी डी के वन भी परफॉर्म uh, फंक्शन नहीं कर पाता और जी टू अरेस्ट हो जाता तो ये हो गया आई टी आर पाथवे ठीक है फिर ये हम लोग देखते हैं रोल ऑफ पी फिफ्टी थ्री प्रोटीन इन डी एन डैमेज चेक पॉइंट तो एक ट्यू, ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि जिसके इनएक्टिवेशन से बॉडी uh, में ट्यूमर सेल्स फॉर्म होते हैं और ये जीवन अरेस्ट कॉस कर, करता है तो यहाँ पे हम लोग फिगर के थ्रू देखते हैं कि हम लोग पहले से ही अभी डिस्कस किए कि हम लोग डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है तो एटीएम रिस्पॉन्सिबल है जो कि एक्टिवेट करता है सीएच टू फैक्टर को तो एमडीएम और पी फिफ्टी थ्री जो है आपस में बाइंड करके रखते हैं फिर सीएच टू जो होता है वो इस दोनों को ब्रेक करता है और MDM2 टू हट जाता है पी फिफ्टी थ्री में फॉस्फोराइलेट होता है जब पी फिफ्टी थ्री का लेवल बढ़ता है तो ये एक्टिवेट करता है पी ट्वेंटी वन जीन को जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के जैसे एक्ट करता है फिर पी ट्वेंटी वन एम आर एन ए का सिंथेसिस होता है जो कि साइक्लिन ऑसिडिकी को ब्लॉक करता है और फिर जीवन अरेस्ट होता है क्योंकि जानते हैं हम लोग की सीडीके और साइक्लिन जो है वो माइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एमपीएफ रेगुलेट करता है फिर हम लोग पी ट्वेंटी सेवन का, का रोल देखते हैं कि ये सीडिके टू और साइक्लिन एफ के साथ ये बाइंड किया हुआ रहता है जब साइक्लिन ई का सेंसिसिस से ज्यादा होता है तो ये पी हट जाता है और साइक्लिन ई के साथ सिडिके टू बाइंड कर जाता है जो कि एक्टिवेट करता है एमसीएम सी हेलीकेज यानी कि मिनी क्रोमोजोमल मेंटेनेंस को ये एक्टिवेट करता है और फिर ये सिंथेसिस फेज होता है एस फेज में तो जी जीवन uh, uh, को क्रॉस करके एस फेज में आता है पी ट्वेंटी सेवन फिर रोल ऑफ आरबी एंड ई टू एफ देखते हैं हम लोग की आरबी और ई टू एफ जो वो दोनों एक आपस में बाइंड रहते हैं और अनफॉस्फोराइलेट होते हैं ये अर्ली और मिड जीवन का बात, बात कर रहे हैं उसके बाद रिस्ट्रिक्शन पॉइंट आता है तो फिर साइक्लिन सी डी के फोर और सिक्स और साइक्लिन डी मिलकर आपस में इसको फॉस्फोराइलेट करना